नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र चोरमार साहब गुरुद्वारा। सड़क के किनारे बसा सिरसा से 35 किलोमीटर दूर गुरुद्वारा चोरमार साहब, जो लाखों श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र बना हुआ है। इस क्षेत्र के साथ संगत को ये पक्का यकीन है कि यहाँ पर गुरुद्वारा साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी की स्मृति में बना हुआ है। बाद में इसी गुरुद्वारे के नाम पर सिरसा डबा वाली रोड पर एक गांव का नाम जो कि चोरमार है यहां बसा। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 10 से गुजरते अधिकांश वाहन, चाहे वे कारें हों या फिर ट्रक या बस, गुरुद्वारे के सामने आकर रुक जाते हैं। यहां माथा टेक कर आगे अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हैं। गुरुद्वारा चोरमार साहब का लगभग 20 वर्ष पूर्व जीर्णोद्वार करके एक बड़ा ही सुंदर रूप दिया गया। इसका मुख्य द्वार अत्यंत मनोहारी दृश्य रूप में प्रस्तुत होता है। मुख्य द्वार को इतना सुंदर ढंग से निर्मित किया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग से निकलने वाले उन लोगों का ध्यान भी आकर्षित होता है जो इस गुरुद्वारे के महत्व से अनभिज्ञ होते हैं। चोरमार स्थित इस गुरुद्वारे के संबंध में ये प्रचलित है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी जब इस क्षेत्र की तरफ आए तो यहाँ पर शिकार खेलते हुए यहाँ तक पहुँचे। इस स्थान पर उन्हें उस समय पानी का एक जोहर था और इस जोहर के किनारे गुरु साहब रुके अपने सिखों के साथ। उन्होंने यहाँ पर पानी पिया और अपने घोड़ों को ही पिलाया, जिसके बाद रात्रि विश्राम के लिए वे यहीं रुक गए। उस समय कहा जाता है कि इस क्षेत्र में कहीं कोई आबादी नहीं थी। पूरा क्षेत्र सुनसान था और जंगल के रूप में था। दूर दूर तक कोई भी आता जाता नहीं था। रात्रि के समय गुरु जी का घोड़ा एक चोर चोरी करके ले गया, लेकिन गुरुद्वारे के दायरे से वो बाहर नहीं निकल पाया और आँखों से अंधा हो गया, जिस कारण वह गुरु जी के डेरे से बाहर नहीं निकल पाया। सवेरे होते ही सेवादारों ने उसे घेर लिया और पकड़कर गुरु जी के समक्ष पेश किया। चोर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पश्चाताप करके गुरु जी से माफ़ी मांगी, जिसके बाद कहा जाता है कि चोर का उद्धार हुआ और उस व्यक्ति के अंदर का चोर मर गया। इसी कथा के कारण इसका नाम चोरमार पड़ा। जिस स्थान पर उस समय तालाब था यानी जोहर था, उस स्थान पर आजकल चोरमार गुरुद्वारा का पवित्र सरोवर बना हुआ है। बताया जाता है कि इस स्थान पर कार सेवा आज़ादी से पूर्व किंगरे निवासी सेठ संत सिंह अग्रवाल नामक एक गुरु सेवक ने सेवा कार्य शुरू करवाया। उस समय यहाँ पर छोटा सा गुरुद्वारा बनाया गया था, परंतु आज़ादी के पश्चात गुरुद्वारा साहिब की सेवा महाराजा बलवंत सिंह ने करके इस स्थान पर गुरुद्वारा व सरोवर बनाया। पिछले 30 वर्षों से संत बाबा करम सिंह इस गुरुद्वारा साहिब की सेवा संभाल रहे हैं। उन्हीं के प्रयासों से इस गुरुद्वारा के साथ लगते अनेक भवनों का निर्माण भी करवाया गया। आपको बता दें कि गुरुद्वारा साहिब में हर माह अमावस के दिन भव्य मेला लगाया जाता है। इतना ही नहीं, हर वर्ष माघी और बैसाखी के मेले भी लगते हैं, जिनमें हजारों की संख्या में साध संगत भाग लेने पहुँचती है। एक और खास बात यहाँ की प्रचलित है कि गुरुद्वारा साहिब में दिन रात लंगर चलता है तथा प्रतिदिन सैकड़ों यात्री यहाँ से गुजरते हैं, वो लंगर ग्रहण करते हैं। गुरुद्वारा साहिब की प्रबंधक कमेटी द्वारा दशमेश हाई स्कूल व एक गुरबाणी की शिक्षा का विद्यालय भी चलाया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों विद्यार्थी शिक्षा भी ग्रहण करते हैं। गुरुद्वारा साहिब के एक भाग में सिख इतिहास से संबंधित संग्रहालय का निर्माण किया गया है। इसमें सिख इतिहास से संबंधित सैकड़ों चित्र भी लगाए गए हैं। गुरुद्वारा साहिब में आने वाली साध संगत इस सिख अजायब घर को जरूर देख कर आती है। गुरुद्वारा साहिब में अति शीघ्र गुरुद्वारा कमेटी द्वारा एक पुस्तकालय भी स्थापित किया जाएगा और यहां पर संत बाबा करम सिंह की देखरेख में एक गुरबाणी व कीर्तन शिक्षा केंद्र तथा गुरबाणी स्कूल भी चलाया जा रहा है, जिसमें नई ग्रंथियों और कीर्तनकारियों तथा उन्हें शिक्षा दी जाती है। इस गुरबाणी स्कूल में शिक्षा प्राप्त करके गुरबाणी के ग्रंथी आसपास के क्षेत्र में गुरुद्वारों में सेवा कर रहे हैं। गुरुद्वारा साहिब में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में भी विशेष योगदान दिया जा रहा है। इस गुरुद्वारा साहिब में हर साल में ग्राम चोरमार के निवासियों द्वारा मदद की जाती है। आंखों के ऑपरेशन लगाए जाते हैं और
चिकित्सा शिविर भी लगाए जाते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की आंखों की जांच की जाती है तथा इस गुरुद्वारा साहिब में विशाल लंगर हाल का निर्माण भी किया गया है। दोस्तों, ये थी गुरुद्वारा चोरमार साहिब की ऐतिहासिक जानकारी। फिर किसी धार्मिक स्थल के बारे में जानकारी लेकर के लौटेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, लाइक भी कीजिएगा। अगर आपको कोई खास वीडियो बनानी है या कि किसी खास जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे पल पल के इस खास पेशकश के साथ।